हाय गाइस, हेलो एवरीवन। एंड बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है, वी हैव अ न्यू नोटिफिकेशन। क्लैट 21 फाइनली पोस्टपोन हो गया है, बट वी हैवन गॉट द डेट। तो गाइस, हम लोगों को कंसोर्शियम ने अभी तक डेट नहीं दी है, बट फाइनली हम लोग पता चल गया कि क्लैट पोस्टपोन होना है। अराउंड हम लोग अंदाज़ा एक्सपेक्टेड डेट लगा सकते हैं कि कब हम लोग का क्लैट एग्जाम होगा। तो गाइस, पहले हम लोग का जो एग्ज़ाम था वो 13th of June शेड्यूल्ड था, बट बिकॉज सीइंग द कोविड सिनेरियो और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्लैट पोस्टपोन होना तो कंफर्म हो चुका था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। बट फाइनली ये तो चल गया है कि रजिस्ट्रेशन जो डेट थी, जो कि एंड हो रही थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है अराउंड 1 month, 15th June तक पूरा एक्सटेंशन है। आप 15th June तक अपने फॉर्म्स भर सकते हैं। इफ़ एनी वन ऑफ यू जिसने फॉर्म नहीं भरा है, वो भरना चाहता है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर दीजिए। बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस ईयर में बहुत, क्योंकि कोविड है, सेकेंड पीक चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है आज सब डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे और क्या करना है अब हम लोग को, क्योंकि हम लोग का टाइम आ रहा है, हम लोग कैसे इसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, क्या कर रहा है, एवरीथिंग विल बी टोल्ड इज। तो गाइस, जब हम लोग पता चल गया कि एग्जाम हम लोग का 15th June के बाद ही होना है, रीजन क्या है, 15 जून तक तो एप्लीकेशन प्रोसेस है, तब एटलीस्ट प्लस 15 डेज ले लीजिए, इतना तो आप कंफर्म ले लीजिए कि एटलीस्ट 15 डेज से पहले नहीं हो सकता एग्जाम। ऐसे अगर 15 जून है तो एक्सपेक्ट कर लीजिए कि 1 जुलाई से पहले एग्जाम्स नहीं हो सकते हैं। 1 जुलाई को भी तब हो सकता है इफ 20 डेज और 21 डेज की पहले नोटिस दे दिए। ऑफ कोर्स ये रिटन कोई स्टैट्यूट नहीं है, बट इट इज़ ऑलवेज फॉलोड कि भाई जब भी एग्जाम होगा तो उसे 25 डेज पहले नोटिफिकेशन आपको देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। सो दैट इज़ व्हाट इज़ फॉलोड। तो गाइस, जो कोविड की सेकेंड वेव आई, बहुत ही हार्ड हिट कर रही है इंडिया को। मैं जैसे मैं यहाँ यूपी में रहता हूँ, यूपी में बहुत प्रॉब्लम है, हर स्टेट में इंडिया में प्रॉब्लम हो गई है। तो बिकॉज ये क्लैट एक नेशनल लेवल एग्जाम है, तो अनटिल एंड अनलेस पूरे नेशन में हर चीज़ सही हो जाएगी, तब तक क्लैट को आसानी से कंडक्ट कराना इजेंट ईजी, बिकॉज हर स्टेट में अलग अलग प्रॉब्लम्स है और पूरे इंडिया से, हर स्टेट से लोग देने वाले हैं इस एग्जाम को। तो दैट्स द रीज़न कि हम क्लैट कंसोर्शियम को पूरा इंडिया देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊँगा तो क्लैट 2019 विच आई गिव, उस समय कोई इलेक्शन आ गए थे, 4 स्टेट्स में इलेक्शन था, इलेक्शन की वजह से अब हम लोग के यहाँ यूपी में इलेक्शन नहीं था, तो वी वोंट कंसिडर कि भाई यूपी में नहीं है तो पूरे इंडिया में ही नहीं होगा। सो हम लोग का क्लैट की जो डेट थी वो आगे बढ़ गई थी। तो हर साल ही होता है, ये नया नहीं है, एवरी ईयर ये आपकी क्लैट की डेट आगे बढ़ाती, बट कोविड टाइम तो एकदम अनप्रेसिडेंट टाइम है। वी डोंट नो कि जो पोस्टपोन डेट है वो भी वर्क करेगी नहीं करेगी, सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव आ रही, तो उसके बीच में कराना एग्जाम कैसे क्या होना है। तो ये सेकेंड वेव इतनी हार्ड हिट कर रही है, ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है, ना वैक्सीन लग पा रही है। सपोज 18+ जो वैक्सीन बोला जा रहा है वो तो लग ही नहीं पा रही है, दैट्स जस्ट सेड। ये मैं देख रहा हूँ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइप का काम चला है, ऐसे अब करोड़पति अगर देखें तो फास्टेस्ट फिंगर जो सबसे पहले कर दें, कुछ ऐसा मैं सुनने में आया है। सो वैक्सीन भी नहीं मिल रही हैं, कोविशील्ड जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी इन सेकेंड वेव, और अब सेकेंड वेव तो आप जानते हैं 7 मई के आसपास हम लोगों ने पीक देखा कोविड का, सेकेंड वेव का। नाउ थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है, बट डिक्लाइन हो रहा है, अब देखते हैं, यही एक चांस है कि जुलाई में हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी कि क्लैट कंडक्ट हो सकता है या और कोई एग्जाम्स हो सकते हैं। तो गाइस, इस सेकेंड वेव में बहुत लोग मरे हुए हैं, बहुत सारे लोग की डेथ हुई है। यू कैन सी एक गंगा का आप देख सकते हैं, गंगा में कि 1400 किलोमीटर्स की जो लाइन है उसके चारों तरफ बॉडीज लगी हुई, अराउंड 2000 से ज़्यादा बॉडीज रिकवर हुई हैं, डेड बॉडीज। अब डोंट नो ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो गाइस, इसमें सेफ्टी आपकी अटमोस्ट प्रायोरिटी है, एग्जाम्स होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम तो अपने आप को सेफ रखिए, मास्क पहनिए, डबल लेयर मास्क पहनिए जब भी निकलिए, इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हमेशा बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली आपको कहीं कभी लगेगा या ये तो मेरा फ्रेंड है, हाउ शुड आई से भाई थोड़ा दूर बोलो, भाई इट्स ओके फॉर बोथ ऑफ अस, ये तो दूर है यार, इट्स ओके ओके मजे में, तो मतलब ऐसे कह सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम में। हाई कोर्ट ने जो आज काम करा है, जो इस प्रेसिडेंट टाइम में करा है, तो वो बहुत ही अच्छा वर्क करा है, मतलब बहुत ही कमेंडेबल वर्क करा है। तो भाई, नीदर कंसोर्शियम नॉर एनी इंस्टीट्यूशन कैन गारंटी कि आपको वैक्सीन लगा के एग्जाम देंगे, तो ये तो मुझे कोई चांस नहीं दिख रहा है। तो गाइस, वैक्सीन पहले से भी नहीं है, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि वैक्सीन लगा के एग्जाम दिलवा दिया जाए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, इंस्टीट्यूशंस के पास इतनी वैक्सीन है ही नहीं, वो इंस्टीट्यूशंस को कहाँ, गवर्नमेंट पास है ही नहीं, तो इंस्टीट्यूशंस कैसे देगी। सेकंड रीज़न ये है कि आप वैक्सीन जब देते हैं तो एक कुछ टाइम पीरियड होता है ना, फर्स्ट वैक्सीन देंगे उसके बाद कुछ पीरियड होगा, फिर सेकेंड वैक्सीन देंगे उसके 15 डे के बाद आप इम्यूनाइज होंगे, असम समझते हैं इसमें लगभग 2.5 to 3 months का पीरियड लग जाएगा, और तब तक क्लैट कब होगा क्या होगा, इतनी शॉर्टेज चल रही है, आई डोंट नो, ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने स्टूडेंट्स से कि भाई वैक्सीन लगाओ और
तो और वैक्सीन और थर्ड चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी तो सेकेंड वेव चल रही है और सेकेंड वेव अब डिमिनिश हो रही है और इसका डाउन साइड आ रहा है, बहुत सारे केसेस कम हो रहे हैं, बट इन द कमिंग मंथ्स वी कैन सी कि हम लोग थर्ड वेव में आ सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आ चुके हैं, इससे एक दो केसेस भी आ चुके हैं थर्ड वेव के। आप समझ सकते हैं अभी तो पीक नहीं होगा थर्ड वेव का, थर्ड वेव का इट्स सेड कि पीक अक्टूबर है, बट हम लोग अगस्त से हम लोग इसके देखना चालू कर देंगे, सोसाइटी में देखना चालू हो जाएगा, सिटीज़ में देखना चालू हो जाएगा, थर्ड वेव इज़ गोइंग टू हिट हार्ड और वो 18 ईयर्स को करना वाला है। तो 18 ईयर्स बहुत ही वल्नरेबल एज है इस टाइम पे थर्ड वेव के लिए, बिकॉज गाइज वैक्सीन भी वर्क नहीं करने वाली थर्ड वेव में, बिकॉज ये मेरे एक सीमेस एल्यूमिना है, आई हैव अ टॉक विथ हिम, तो उन्होंने बताया कि जो सेकेंड वेव है इसमें कोविशील्ड बहुत अच्छी वर्क कर रही है, दैट्स वाई कोविशील्ड आप देख सकते हैं ज़्यादा हॉस्पिटल्स में लग रही है, वही लगाई जा रही है, बिकॉज कोविशील्ड बेस्ट वर्क कर रही है सेकेंड वेव के लिए, बट थर्ड वेव के लिए ना कोवैक्सीन ना कोविशील्ड बोथ कांट वर्क, उतना जो कोई इफेक्टिव नहीं है थर्ड वेव की। अब देखते हैं हाउ एवरीथिंग विल वर्क, क्या नई वैक्सीन आएंगी, नई वैक्सीन मुझे नहीं लग रहा है, रशियन वैक्सीन स्पुतनिक आ रही है, बट लेट्स सी। तो गाइस क्लास 12 के एग्जाम की बात करना चाहूँगा, क्लास 12 के जो एग्जाम होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली, अब जैसे पोस्टपोन का बोला मैं कैंसिल नहीं कह सकता कि बिकॉज हम आज कहेंगे भाई कैंसिल हो जाएगा, आई डोंट नो कि अगर गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है कि कैंसिल नहीं होगा, तो मुझे भी लग रहा है बिकॉज नहीं होगा, बिकॉज एक पीक आता है, उस पीक खत्म होता है, उसके बीच में ये लोग एग्जाम्स कराने का सोच रहे हैं, आई थिंक दे आर प्लानिंग कि उसी टाइम एग्जाम्स होंगे मैक्सिमम, जो जो नहीं जो टल रहे हैं आगे, जैसे नीट है या क्लैट है या बोर्ड एग्जाम्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसी पीरियड में कराया जाए। अब क्लैट और बोर्ड कैसे क्लैश करेगा, क्या होगा, पहले क्लैट होगा कि पहले बोर्ड होगा, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो गाइस पॉजिटिविटी तो दी जा सकती है, बट ये फेक पॉजिटिविटी का क्या करोगे, आई एम टेलिंग यू द रियल सिनेरियो, रियल प्रॉब्लम्स क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है तो फेक पॉजिटिविटी का कोई मतलब नहीं है, आपको जब चीज़ें पता हैं, व्हेन यू गेट टू नो दिस थिंग कि ये हो रही है, तो आप सेफ्टी प्रिकॉशन लोगे, सब चीज़ लोगे, आपको ये करना है वैसे करना है, यू नो यू आप एक्सपेक्टेशन रखने ये होगा ये होगा, तो इस तरह से आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे, सोसाइटी उस तरह से वर्क करना चाहेंगे। तो दैट्स वाई पॉजिटिविटी एक एंड तक सही है, उससे ज़्यादा नहीं कि आप इंफॉर्मेशन शेयर कर दो। सपोज कोई बोल रहा है कि भाई सपोज समवन हैज़ कोरोना और कह रहे नहीं भाई मैं टेस्टिंग करा लूँगा, बी पॉजिटिव टेस्टिंग करा लूँगा तो मैं नेगेटिव आ जाऊँगा और मेरे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इससे टेस्टिंग ही ना करो। अरे ब्रो टेस्टिंग नहीं कराओगे तो वैसे भी तुम जाने वाले हो गड्ढे में, सो बेटर कि आप टेस्टिंग करा लो। तो गाइस अब अगला क्वेश्चन है नाउ व्हाट टू डू, अब क्या होना है कैसे होना है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब बहुत ड्रॉप ये ड्रॉपर्स को प्रॉब्लम हो रही, रीज़न क्या उन्होंने ड्रॉप ले लिया, और बैड डिसीजन द गुड डिसीजन नथिंग कैन बी सेट, बिकॉज वो तो वो भी नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि ऐसा होगा, बट सम व्हाट हैपेंड ऐसा हो गया। तो ये समझाना चाहूँगा कि तो गाइस ये बोलना चाहूँगा कि नथिंग इज कन्फर्म, ठीक है इसमें बहुत, तो मैं अगला ड्रॉप लेने के लिए अभी किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा, अभी उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। ड्रॉप ईयर्स को भी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्लास 12th वालों को भी प्रॉब्लम्स हो रही है, ड्रॉप ईयर्स तो ड्रॉप ले लिया, क्लास 12th वाले तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इफ दे वांट। तो गाइस अब नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करना है, तो गाइस ये समझना सबसे जरूरी है कि अभी हम लोग वरी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन आ लीजिए, बस सोशल सब चीज़ों का ध्यान रखिए, वरी ना करिए, वरी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए किसी चीज़ का। अब आप समझ सकते हैं 45 डेज एक्स्ट्रा तो मिनिमम मिल ही गया है एवरी स्टूडेंट, चाहे क्लास 12th का है चाहे क्लास ड्रॉपर का है, इट्स गुड फॉर एवरीवन। आप अगर ड्रॉपर के हैं तो अगर आपके पास टाइम था, सॉरी आपने प्रिपरेशन नहीं करी थी, आप बहुत दिन से आराम कर रहे थे, तो अभी भी टाइम है, आप 45 डेज में अच्छा कुछ कर सकते हैं, अपना एफर्ट दिखा सकते हैं, पास फेज से स्टार्टिंग कर सकते हैं और एफर्ट दिखा सकते हैं। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि आपके लेवल बहुत लोग आने की कोशिश करेंगे, मेनी पीपल विल ट्राई, क्योंकि उनको टाइम मिल रहा है, क्लास 12 स्टूडेंट्स को भी टाइम मिल रहा है, तो वो ट्राई कर रहे हैं कि वो आपके लेवल पे आ जाएं। तो ड्रॉपर्स से भी बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा जिनके पास टाइम है, जो पहले स्टडीज़ कर रहे हैं, टू ईयर्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो अब उन्हें अपनी प्रिपरेशन के एक एक स्किल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज अब जो कॉम्पिटिशन होने वाला है, जो भी क्लैट होगा वो बहुत फाइन होगा, समझ रहे हैं कि बहुत स्कोर्स तो हाई जाएंगे, बहुत लोग उस स्कोर पर जाएंगे, बट 1 नंबर 0.25 नंबर पे बहुत बड़े बड़े सिलेक्शन रुक जाएंगे, पूरा पूरा कॉलेज छूट जाएगा आपको, 0.25 पे 2-3 कॉलेज निकल जाएंगे, आप समझ रहे हो। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो है इस समय डिटेलिंग पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, आप डिटेलिंग जितना ज़्यादा घुस पाएँ, ऑफकोर्स अगर आपने ज़्यादा पढ़ा है, ज़्यादा स्टडी करा है, ज़्यादा प्रैक्टिस करा है, तो आप न्यूमरो उनो हैं और रहेंगे और एग्जाम में भी दिखेगा, बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि कोई आदमी कम पढ़ा और आगे निकल, नो इट डजंट हैपन्स, बिकॉज आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप ज़्यादा आगे निकलोगे, बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपीरियंस जैसे आएंगे, बहुत सारे सिली मिस्टेक वो आप नहीं करोगे, सिली मिस्टेक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर 10-50 क्वेश्चन उससे गलत हो रहे तो आपके नहीं होंगे, तो आप रैंक आप 5-7 कॉलेज आराम से 5-7 कॉलेज आगे निकल आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इन प्रेजेंट टाइम में आप थोड़ा स्टडीज पर फोकस करिए, घर पर रह के
चीज़ों को फोकस करिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, स्ट्रेटजीज वर्क करिए, नहीं प्रिपरेशन कर रहा है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए और थोड़ा सा फोकस हो जाइए। आई नो घर पे बहुत डिस्ट्रक्शन है, मेरे भी घर पे, बट सम हाउ वी हैव टू मैनेज। शेड्यूल बनाइए, रिटर्न शेड्यूल होना चाहिए जैसे मैंने बताया कि शेड्यूल कैसा बनना है सब कुछ। सो ऐसे ही वर्क करिए। आई होप ये लेक्चर, ये व्लॉग या ये वीडियो थोड़ा सा वर्क में रहा होगा, आपका कुछ हेल्प करेगा, बिकॉज आई थिंक प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इस समय पे, इस समय आपको भी वर्क करना चाहिए। सो थैंक यू गाइज, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, उनको होप दीजिए कि अभी भी हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, जरूर आगे बढ़ा है। नो की बहुत प्रॉब्लम्स हैं क्लास 12th क्लास 12th के लिए, वो पढ़ रहे हैं पहले से पढ़ रहे हैं तब भी हो रहा है, बट दिस इज हाउ लाइफ गोस। प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, बट यू हैव टू डील थ्रू इट, आपको डील करना पड़ेगा। यही बोलते हैं ना, क्लैट की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैट एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्नी ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट बनाने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनाने वाली है। आप आगे कोई एग्जाम देना चाहते हैं, लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, दिस एग्जाम इज डेवलपिंग यू, आपको डेवलप कर रही है। सो बाय बाय।